नमस्कार, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमल यादव जी भी बीजेपी से, पर इससे पहले हम जाएंगे राजेश यादव जी के पास। राजेश यादव जी इंसाफ मंच से हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आशा जी कह रही थी कि विकास के बारे में सोच रही है सरकार और विकास को लेकर लगातार सरकार रही है, तो यहाँ पे जिस तरह से आज घोषणाएं हुई हैं और इलेक्शंस बिल्कुल नज़दीक है, तो आपको नहीं लगता कि इलेक्शंस के लिए ज़्यादा घोषणाएं, अगर घोषणा अगर इसी तरह करना होता, चाहे वो लाल डोरे की बात हो रही हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात हो रही हो, इसके लिए 10 साल थे। अगर 10 साल नहीं थे तो एटलीस्ट आपके पास 5 साल थे, क्योंकि 5 साल आप पहले से सरकार में थे, तो ये बहुत सारी चीज़ें पहले हो जाती, हो सकती थी। देखिए, ये मैडम जी जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के करीबी थे, उनका तो अभूतपूर्व विकास हुआ है इन 10 सालों में। और आप किसी की भी संपत्ति की जांच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रही बात मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं की, मुख्यमंत्री जी दो तरीके की घोषणाएं करते हैं। एक घोषणाएं वो है जो अपने गृह जिले के लिए या अपने जो उनको पसंद है उस क्षेत्र के लिए करते हैं, उसकी तो जिस दिन घोषणा होती है उससे अगले दिन उस पर काम शुरू हो जाता है। बाकी जो 18-19 जिले हैं उनके लिए जो घोषणाएँ करते हैं वो कभी पूरी नहीं होती, वो जानबूझ के इस तरीके की घोषणाएँ करी जाती है कि पूरी ना हो सके। अब पिछली पे तो चर्चा बहुत हो चुकी है, आप आज की पे बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी गुड़गांव की बात नहीं, तो गुड़गांव में 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटी पहले से है, 8वीं खुल जाएगी। गुड़गांव में सरकारी यूनिवर्सिटी खोली आज तक कोई 10 साल में? नहीं खोली। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 10 से 12 हज़ार रुपये महीना की फ़ीस है उस कोर्स की, जिस कोर्स की सालाना फ़ीस 6 हज़ार रुपये है एक जनरल स्टूडेंट के लिए सरकारी यूनिवर्सिटी में। तो 10 हज़ार 12 हज़ार 15 हज़ार रुपये फ़ीस दे के कितने लोग हैं हरियाणा में या हमारे क्षेत्र में जो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएंगे? दूसरी बात, अब आ जाते हैं लाल डोरा, फायदा क्या होगा? नहीं, अब ये क्या है कि घोषणाएं ऐसी गोड़ मोड़ करते हैं, लोगों को ये लगता है कि भाई इन्होंने तो बहुत भला कर दिया, लेकिन वो कभी किसी का भला हो नहीं सकता। अब लाल डोरा की बात है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भाई लाल डोरा बढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने अभी मैं देख रहा था आपके इस पर, उन्होंने क्या कहा, लाल डोरा से और आबादी देह के जो बीच का क्षेत्र है उसको हम अप्रूव करेंगे। मैं आपको लाल डोरा और आबादी देह का एक मिनट में बता देता हूँ। लाल डोरा 1894 में बना था, उसके बाद 1950 से 1961 तक सभी गांव की चकबंदी हुई, तो 1894 और 1960 के बीच में जो मकान बन गए उन के उस एरिया को इन्होंने वो दे दिया आबादी दे। लेकिन 1960 के बाद आज लगभग 53 साल में एक इंच भी लाल डोरा बढ़ा नहीं, गांव का जो क्षेत्र है वो 10 गुणा 12 गुणा बढ़ गया। लेकिन राजेश जी, जिस तरह से चकबंदी की बात आप कर रहे हैं, अगर चकबंदी हुई उसके बाद से अगर जो कंस्ट्रक्शन या फिर जो बढ़ाया गया वो अवैध तरीके से था, अब वो अवैध हो जाए? नहीं, वो नहीं होगा ना, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा है 1894 से और 1960 के जो बीच का है सिर्फ उसको वैध करेंगे, जो आबादी देह और लाल डोरा के बीच का क्षेत्र है उसमें अवैध का कहीं नहीं कहा गया। आप 1960 में देखेंगे तो देश की आबादी मेरे ख्याल में 35 करोड़ होगी, आज 125 करोड़ आबादी है। तो हमारे जैसे, मैं खुद गांव से संबंधित हूँ कि भाई हमारा परिवार था, एक घर गांव में रह गया, बगल लगते खेत थे उसमें अपने घर बना लिए, तो लाल डोरा का क्षेत्र बहुत बढ़ गया। दूसरी बात, अब इस आबादी देह के क्षेत्र में बता देता हूँ, नगर निगम मेरे पास, मैं RTI देखता हूँ, RTI के माध्यम से सरकार, हरियाणा सरकार ने जानकारी दी है कि जो गांव नगर निगम की सीमा में आ गए हैं उनके लिए विकास की योजनाएं पूरे एरिया के लिए बना दी, लेकिन सरकार लाल डोरा से बाहर एक ईंट भी नहीं लगा सकती, आबादी देह में भी नहीं लगा सकती। तो ये टोटल लोगों को गुमराह करने का, झूठ बोलने का। तीसरा, ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं मैं, ये मैडम जी हैं, ये खुद स्कूल चलाती हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई निजी शिक्षण संस्थानों के वाहनों का रोड टैक्स फ्री। तो मैं पूछता हूं कि स्कूलों में कितनी बस जो खुद की स्कूल शिक्षण संस्थान की होती है, कितनी जो कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, कॉन्ट्रैक्ट पे होती है उनका तो कोई रोड टैक्स माफ नहीं है, जो शिक्षण संस्थान की 3, 4, 5, 10 उसका रोड टैक्स माफ। दूसरी बात, क्या अगर जो शिक्षण संस्थान की बस का रोड टैक्स माफ हो गया तो उस बस का तो चलो उस स्टूडेंट को तो कम भाड़ा लेंगे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट पे बस है उसका भी भाड़ा कम कर देंगे स्कूल? कभी नहीं कर सकते। तो ये मुख्यमंत्री जानबूझ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से खबरें प्रसारित करी जाती है, खबरें बिल्कुल झूठी होती है। देखिए, मीडिया के माध्यम से नहीं की जाती है, वो खुद करते हैं, मीडिया में प्रेस रिलीज कर करके जी। अगर वो क्योंकि हम अगर उसी चीज को लेकर आए हैं यहाँ पे कि जो जिस तरह से कैबिनेट में, जो कैबिनेट बैठक में जो बातें हुई हैं, उन बातों का आखिर सही में जमीनी स्तर पे क्या मायने हैं, हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मीडिया में बताते हैं, लेकिन वो सच्चाई कुछ और होगी। पर मीडिया समझ रही है वहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और कितना हो पाएगा। ऐसे में कमल जी, क्या लगता है कि 6 महीने पहले जो इलेक्शंस है, 6 महीने बचे हुए, बीच में आचार संहिता लोकसभा के लिए भी लग जाएगा, ये सवाल मैं लगातार कर रहा हूँ कि ऐसे में हर वर्ग के लोगों को रिझाने की कोशिश की गई है, क्या आपको लगता है कि ये सही में विकास के मायने या फिर केवल चुनावी हथकंडे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं खबरें अभी तक को बधाई देना चाहूँगा
आज कैबिनेट की बैठक हुई और चुनाव हमारे सर पे हैं जी, और बहुत अच्छा इशू आज आप लोगों ने उठाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब से सरकार बनी है, मैं पिछले टर्म पे जाऊं, 9 साल का एक कार्यकाल इन्होंने हरियाणा को दिया जी, और जिस दिन से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, एक घोषणाओं के मुख्यमंत्री रह करके बन करके रह गए हैं। पहले दिन से एक राग अलापते आए हैं कि 3 साल में 24 घंटे बिजली देंगे, उसके बाद बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की और पता नहीं कितनी घोषणाएं इन्होंने तरह तरह की पूरे प्रदेश के अंदर की हैं। जैसा भी भाई राजेश ने कहा कि इनकी घोषणाएं भी दो प्रकार की हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक तो रोहतक और झज्जर और इस एरिया के लिए अलग घोषणाएं होती हैं जिन पर तुरंत काम कर दिया जाता है, और गुड़गांव और अन्य जिलों के लिए अलग घोषणाएं होती हैं। अब हीरोंडा चौक की बात करें, एक यहाँ पे अपने कॉमर्स कॉलेज आ रहा है उसकी बात करें, फरुखनगर के अंदर आईटीआई की बात करें, ऐसे अनेकों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ उस चैनल के माध्यम से, और कभी भी इस पर खुली बहस भी कर सकते हैं। आज हरियाणा की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कांग्रेस सरकार को देख चुकी है, और हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर इनको देख चुकी है। एक बिल्कुल एक पर्दा इनके ऊपर से उठ चुका है और ये बिल्कुल एक तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो गई है। आप देखेंगे आने वाले समय में, आप देखेंगे कमल जी, कमल जी देखिए जिस तरह से, क्योंकि मैं हर वर्ग की जब बात कर रहा हूँ तो जो एक मेजर वोटर जो प्रतिशत है वो अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो ऐसे हर जगह को टच किया है इस बार। और अगर ऐसे में वोट पर जहाँ पे, क्योंकि मैं बाद में जेटली साहब से भी कह रहा था कि इनेलो के गढ़ माने जाते हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पे भी अगर हुड्डा सेंध मारते तो दिक्कत तो सबको होगी। अगर जिस तरह से घोषणा हुई 9 सालों में जिस व्यक्ति ने कोई काम हरियाणा के अंदर नहीं किया, तो आज उनकी घोषणाओं पर पब्लिक कितना विश्वास करेगी, जनता कितना विश्वास करेगी, ये हम और आपको सोचने की बात है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं तो अब भी की हैं और पहले भी करते आए हैं, लेकिन मैं पहले भी कहा, जनता समझ चुकी है और बिल्कुल मन बना चुकी है हरियाणा से और इस देश से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का, और आने वाले समय में आप देखेंगे निश्चित रूप से कांग्रेस का पूरे देश से सफाया होने जा रहा है। और किसी प्रकार के कोई लोक लुभावने वायदे ये कर लें, कुछ भी ये कर लें, लेकिन आज जनता समझ चुकी है और बिल्कुल उखाड़ फेंकेगी। आशा जी, जी दिल बनाने को ख्याल बहुत अच्छा है ये कह रहे हैं जी। जिस तरह से देखिए यहाँ पे, क्योंकि हर अगर हम किसी भी पार्टी की बात कर रहे हैं वो हमेशा कह रहे हैं कि ये बस लोगों को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे घोषणाएं होती हैं, गोहाना में हुई चाहे कहीं और भी गए मुख्यमंत्री, तो ये बहुत गंभीर समस्या है कि उन घोषणाओं के बारे में ये नहीं बताया जाता है, ये चीज़ें एक श्वेत पत्र जारी नहीं किया जाता है कि इसमें हम लोगों ने इतना काम कर दिया, अब हम नई घोषणाएं कर रहे हैं, उसमें इस दिन से तारीख से शुरू होगा और इसका टारगेट ये होगा। ऐसे अगर टारगेट दे के करें तो बाकी जो दूसरी पार्टी जो इसको केवल चुनावी घोषणा कह रहे हैं वो बंद कर देंगे कहना, क्योंकि उनको पता रहेगा कि ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है और इस समय तक ये पूरा हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं, केवल सामने आके बता दिया गया, अब उसको देखा जाएगा वो ठंडे बस्ते में पड़ता है या उसे करना जरूरी है, वो एक हिसाब से देखा जाता है कि कितना फायदा पार्टी को पहुंचा सकती है। जैसा मैंने अभी कहना शुरू किया था कि दिल बहलाने को ख्याल काफ़ी अच्छा है, और ये कहा जा सकता है कि घोषणाएं केवल घोषणाएं, इनका कोई मकसद नहीं है, कुछ नहीं होगा। और इन्होंने तो, कमल जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 9 वर्षों तक पीछे हरियाणा में कुछ भी नहीं हुआ है, और इसीलिए है शायद हरियाणा को सारे देश के अंदर प्रथम माना जाता है, इस प्रदेश को जो विकास कर। बिल्कुल बहन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हरियाणा नंबर वन है भ्रष्टाचार के अंदर, नंबर वन है बहुत सी। आशा जी जवाब लेने, चाहे आर्थिक रूप में देखा जाए, व्यक्तिगत आमदनी के रूप में देखा जाए, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर देखा जाए, विकास के क्षेत्र के अंदर देखा जाए, एक आमूलकारी परिवर्तन आया है। अभी मेरे एक भाई ने यहाँ पर कहा कि वास्तव में ये केवल ऐसी घोषणाएं कर जाते हैं जिनका मतलब कुछ और होता है। मैं सिर्फ कहना मांगती हूँ ये कि ये हमारा भी एक दृष्टिकोण होता है कि हम उसे किस रूप में देखें। देखिए मैं एक सेंटेंस आपसे कहूँगी, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, वर्ड वही है, बातें वही है, पर हमारा किस चीज़ को एम्फेसिस है। हरियाणा सरकार का, मैं कांग्रेस सरकार कहना चाहूँगी, एम्फेसिस हमेशा विकास के ऊपर, जनहित के ऊपर, लोगों के कल्याण के ऊपर होता है। जो कहें वो कहते जाएं, अगर उन्हें ये लगता है कि लाल डोरा ये करके, ये क्यों नहीं इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने उसको बढ़ा दिया, क्यों नहीं ये किया? कोई ऐसी चीजें छोड़ते ही नहीं जो कि कांग्रेस सरकार कर पाती? तो ये तो एक अपना दृष्टिकोण है और कौन किस तरह से चल रहा है, तो नेचुरली राजनीति के क्षेत्र में इनको कहना है, अवश्य विरोध भी करना इसमें है। जेटली साहब से हम लेंगे, जेटली साहब जिस तरह से लगातार बात मैं कर रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों की, कि मैं जिस तरह से वोट समीकरण बैठते हैं वहाँ पे इन लोगों को बहुत फायदा होता है ग्रामीण क्षेत्रों से, वहाँ पे उनका वोट बैंक है एक तरह से। अब यहाँ पे जिस तरह से लाल डोरे की बात कर रहे हैं या फिर जिस तरह से घोषणाएं हुई हैं आज
कैबिनेट बैठक के बाद और जो मंजूरी दी गई है कैबिनेट में, तो ऐसे में लगता है कि वो आपके वोट बैंक पे सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बहुत साफ करना चाहता हूँ, मैं आशा शर्मा जी को ये बात बताना चाहता हूँ, रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। मैं पहले भी थोड़ी देर पहले पूरा मैंने आंकड़े दिए आपको कि कितने परसेंट आपका इम्प्लीमेंटेशन हुआ और कितने परसेंट नहीं हो पाया। अब बात रहती है घोषणाओं के ऊपर। अभी जो मेरे भाई राजेश यादव जी ने बताया डिटेल में कि किस तरीके से आबादी के बीच में लालडोरे वाली बात करी, तो मैं भी कुछ छोटा सा इनका हाथ पढ़ रहा था तो उसमें कहीं लिखा था कि अभी तो ये अमेंडमेंट होगा। अमेंडमेंट होगा, क्या अमेंडमेंट होगा इस कानून में, वो अभी देखने की बात है। दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। गोहाना रैली में हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि मिनिमम वेजेस बढ़ा दिया जाएगा और उसके एक ही महीने के बाद मुख्यमंत्री जी ने बोला प्राइवेट सेक्टर में नहीं बढ़ाया जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़ाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैं बुनियादी सुविधाएं देने में विफल रहा हूँ। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि जहाँ पे मैक्सिमम लोग लगभग 98% लोग प्राइवेट जॉब में है, वहाँ पे तो मुख्यमंत्री जी बैकआउट कर गए। अपने सरकारी कर्मचारियों को जो उन्होंने वेतन देना है, जो वो उसका भी कर्जा उठाना है, वो भी 1,000 करोड़ रुपए मंथ के हिसाब से उठा रहे हैं, तो हमारी जो सरकार है उसको और कर्जों में डुबा रहे हैं। तो अभी ये नहीं पता ये लाल डोरे में जो इन्होंने घोषणा करी है, ये घोषणा कहीं उसी तरीके की घोषणा तो नहीं है जो इन्होंने मिनिमम वेजेस के हिसाब से करी थी, क्योंकि मिनिमम वेजेस की जो घोषणा थी वो पूरे प्रदेश ने देखा कैसे मुख्यमंत्री जी ने मात्र 2 महीनों के बाद अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी और सारे कॉर्पोरेट सेक्टर को बोला कि नहीं आपके लिए अप्लाई नहीं, ये सिर्फ सरकारियों के लिए अप्लाई है। आपको क्या लगता है कि ये आपको दिक्कत पहुंचाएगी इलेक्शंस में? देखिए, हमारे को तो अब आज देखिए लोग समझदार हो चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को जान चुके हैं। मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री जी की स्टेटस आज की डेट में घोषणाओं के मुख्यमंत्री का है, ये और की विकास के मुख्यमंत्री नहीं है। मैडम आशा जी की मैं जवाब देना चाहता हूँ, स्कूल भी चलाती हैं और मुझे लगता है बहुत इंटेलेक्चुअल लेडी हैं ये। मैं आशा जी को बताना चाहता हूँ, आशा जी जो आपने पर कैपिटा इनकम की बात करी, अगर आप उसके भी आंकड़े देखेंगे तो आप हरियाणा गवर्नमेंट के आंकड़े ना देख के प्लानिंग कमीशन के आंकड़े देखिए तो आप देखिए हरियाणा में तो रूरल और गरीब होता हुआ चला जा रहा है, और यहाँ पे जो आदमी अमीर हो रहा है वो सिर्फ वही हो रहा है जिनके साथ मुख्यमंत्री जी अटैच है। आंकड़ों की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास आज दो विषय हैं इसके बारे में, जिसके बारे में डिस्कशन करने की बात आ रही है, क्योंकि कैबिनेट में जो भी हुआ उसमें कितना क्या सेंध मारेगी, कितनी घोषणाएं पूरी होंगी, इसके बारे में देखना पड़ेगा, समय आएगा और बहुत समय है नहीं, बहुत जल्दी करना पड़ेगा जो भी घोषणाएं हुई है। साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे, एक ब्रेक लेंगे, पर ब्रेक के आने के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने किसको बारात का घोड़ा कहा है। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।